मैंने सुनवाया राकेश टिकैत एक शब्द नहीं कह पाए कि गलत हुआ, वो जलेबी छान रहे हैं जवाबों की कि हमको नहीं पता क्या हो गया, अरे वहां क्यों चला गया, किस बात पे हुआ, नहीं नहीं जाने पे नहीं हुआ, ट्वीट पे हो गया, जो कह दिया उस पर हो गया, किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। जब मन करता है कह देते हमको क्या पता, कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन में लोगों को लिंच कर दिया। ये आंदोलन का चेहरा है प्रेम शुक्ला जी, आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पब्लिक आपसे पूछ रही है आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? योगेंद्र यादव को निकाले जाने पर कार्रवाई नहीं, जिस आंदोलन का चेहरा ये है कि वहां पर मुर्गा न देने पर टांग तोड़ दी जाती है और अगर कोई मिलने चला जाए किसी के परिवार से तो उसको निलंबन हो जाता है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं। कार्रवाई तो जो आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये प्रश्न आपका जायज है कि जिस तरह से मुर्गा मुर्गा छीन के मुर्गे के लिए टांग तोड़ देने वाले के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कार्रवाई नहीं, कोई बयान नहीं, एक जन का हाथ काटकर उसको गला काटकर उसको बुरी तरह से निर्ममता से हत्या की जाती है, जो हत्या करते हैं उनके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, किसी को आग लगा के जला दिया जाता है, जलाने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बलात्कार कर दिया जाता है कैंप में, जिस कैंप में बलात्कार होता है उस कैंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर किसी ने संवेदना व्यक्त करने का पाखंड भी कर दिया तो पाखंड करने पर भी आपको तत्काल कार्रवाई करने की याद आती है, उसमें उत्तर कुछ नहीं है। आपने राकेश टिकैत जी का भी बयान सुनाया, राकेश टिकैत जी करे जाने पे कोई आपत्ति नहीं थी, ट्वीट पर आपत्ति थी, यानी इन्होंने संत भिंडरा वाले को संत कहकर जिस तरह से एक्शन का रिएक्शन गिनाया, यानी जिस तरह से मॉब लिंचिंग के लिए को न्यायोचित ठहराया, उस बयान के विरुद्ध चूंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया, जो उनका ट्वीट है उसमें उस बयान के विरुद्ध थोड़ा सा संकेत है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। और यहाँ पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई और किन्हीं कारणों से हुई, तो संयुक्त किसान मोर्चा के दो प्रमुख चेहरे, पुष्पेंद्र जी भी प्रमुख चेहरे हैं, राकेश टिकैत जी भी प्रमुख चेहरे हैं, इन प्रमुख चेहरों को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि कार्रवाई आखिर हुई क्यों। तो इतना अलोकतांत्रिक, इतना असहिष्णु संगठन आज तक तो किसी, अरे पर सर वो इतना अलोकतांत्रिक और असहिष्णु संगठन जो कर रहा है उसको आप हटाते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जगह खाली कराइए, वो कह रहे हैं हम दिवाली की सफाई करने के लिए कल टेंट हटा रहे थे, आप हटाते क्यों नहीं है भाई? नहीं सुशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, वैसे तो 2003 में जब बम कांड के बाद महाराष्ट्र बंद पुकारने वालों को तत्काल पेनाल्टी देता, दंडित कर देता है, वही सुप्रीम कोर्ट यहाँ महीनों का समय देने के बाद दंड की प्रक्रिया नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह से मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सिलेक्टिव कैसे, बंगाल का मामला होगा तो बंगाल में सीओ मोटो मामला नहीं लेगा वो, बल्कि कोई पेटिशनर का इंतजार किया जाएगा और उसको भी दो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो है अपने सामने से हटा देंगे, और यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए भी सरकार कार्रवाई कर दे, कल सुप्रीम कोर्ट तत्काल खड़ा हो जाएगा, रहे हो तो लोकतांत्रिक कानून से। तो पर सर, सर सरकार तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डर से कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ही, सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई, किसी भी सरकार का कोई भी काम हो सर्वोच्च न्यायालय डंडा लेके खड़ा हो। अरे पर लोगों ने आपको चुना है ना सर, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी चुना है, निश्चित लॉ एंड ऑर्डर आपको देखना है। सही कहा आपने, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उठते बैठते हर बार हस्तक्षेप करता है, लेकिन जो 11 महीने तक अलोकतांत्रिक ढंग से, अवैधानिक ढंग से कब्जा किए बैठे हैं, उनको खाली कराओ। ठीक है, मैं इसको फिर लेकर आऊंगा चर्चा में, पहले अर्शप्रीत जी का एक रिएक्शन हूं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, क्या इस आंदोलन में जो हो रहा है और जो योगेंद्र यादव पर कार्रवाई हुई, आपको लगता है किसान आंदोलन का ये चेहरा किसानों का चेहरा हो सकता है? देखिए पहली बात तो यह है कि बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड है, दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। ये यादव साहब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा ही वरुण गांधी जी ने किया था लखीमपुर विक्टिम्स की वीडियो शेयर करके, जहां पे उनको कुचला जाता है, तो उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव लिस्ट से निकाल दिया गया था। जब अनिल जोशी ने पंजाब में, जो पहले यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, किसानों के हक में बात की कि 700 किसान शहीद हो गया, 10 महीने हो चले हैं वो वहां पे सर्दी में, गर्मी में, बगैर बिजली के, ठंड में, ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं, उसके बारे में कुछ बीजेपी कर नहीं रही, तो उनको निकाल दिया गया साहब 6 सालों के लिए। ये इंटॉलरेंस होती है, सो दे कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। दूसरी बात, जिन यादव साहब की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की ये ईगो है जिसकी वजह से इतने महीने हो चले लेकिन उसके बावजूद कोई सोल्यूशन नहीं निकला, उन्होंने इसको प्रेस्टीज का मामला बना दिया है, ईगो का मामला बना दिया है,
उनको पता है वो गलत है, उसके बावजूद वो यू टर्न नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अगर इस बार यू टर्न ले लिया तो सारे पहले जो पॉलिसीज गलत फॉल्टी बनाई है उनको भी वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ये डेडलॉक जो बना है बिटवीन द फार्मर्स एंड बिटवीन द गवर्नमेंट, इसका इकलौता कारण मिस्टर मोदी है, ये भी यादव साहब ने कहा था। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यादव साहब के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं और भी अप्रिशिएट करूंगा अगर जो 700 किसान शहीद हो गया है बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, कि हमें जो चीज नहीं चाहिए हमारे गले मत जी भारे। मेरा सवाल आपसे जो था, आपको मैंने समय दिया कि आप अपनी बात रख रहे थे इसलिए मैंने टोका नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो किसान आंदोलन का चेहरा दिख रहा है जिसमें किसी के मरनी पर कोई घर चला जाए तो उसको निलंबित कर दो, मुर्गा न देने पर टांग तोड़ दो, किसी को काट कर टांग दो, क्या ये चेहरा किसानों का चेहरा, इस देश के लाखों करोड़ों किसानों का चेहरा है कांग्रेस पार्टी हर्षप्रीत के लिए? देखिए ऐसा है कि जस्ट एक इंसिडेंट की वजह से आप पूरे किसान आंदोलन को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट है सर। अगर मैं बस आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ, अगर ऐसी चलना है तो जब मिश्रा साहब ने गाड़ी के नीचे देकर किसानों को कुचला है उनके हिसाब से तो सारी बीजेपी को एट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मिश्रा साहब तो आज भी मिनिस्टर है, रिजाइन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, 302 नहीं लगी। मिश्रा साहब ने बयान दिया, मिश्रा साहब ने जो किया और जो वहां जहां पर हुआ उन दोनों का आपका कनेक्शन आपको लगता है ठीक है? मिश्रा साहब ने बयान आप, दिया आप, था। आप उसको नहीं कह सकते कि वहां जो किसानों के नाम पर हो रहा है वो ठीक है या गलत है। मिश्रा साहब ने, साहब मुझे एक बात बता दीजिए, मिश्रा साहब ने जो कहा था, कौन से मिश्रा पहले बता दीजिए, अजय मिश्रा या आशीष मिश्रा? मिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, ही शुड हैव रिजाइन्ड। आज भी वहां पे मिनिस्टर है। क्या कहा था उन्होंने, मेरा पास्ट उठाकर देख लो मैं कहां से आता हूँ। हाईकोर्ट में आज भी 302 की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ पेंडिंग है। दूसरी बात, यही मिश्रा साहब है जिन्होंने ऐसे थम्स डाउन करके प्रोवोक किया था, यही मिश्रा साहब है जिनके नाम पे कॉनवॉय बोलता है, गाड़ियों का काफिला बोलता था, जिसने किसानों को कुचल करके मार डाला था, यही मिश्रा साहब के लाड साहब थे जो अनट्रेसेबल थे। तो ये जो अभी जो जांच चल रही है सर वो बंद करा दे फिर, जो जांच चल रही है अश्वित उसको बंद करा दे, आपको सब पता है वहां क्या हुआ कैसे हुआ, थम्स डाउन किया इसलिए क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी कौन चला रहा था, सब बंद करा दे। कही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही है कि द गवर्नमेंट शुड प्रूफ कि वो अपने पैर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वो सारी बातें नहीं कही जो आपने कहा कि ये प्रूव हो गया है कि अजय मिश्रा गाड़ी में थे या आशीष मिश्रा गाड़ी में थे, जांच बंद कर दें उसकी फिर। सुप्रीम कोर्ट आप इस देश में अगर किसी आंदोलन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको क्यों नहीं बोल पाते अर्शप्रीत, उस गलत को गलत क्यों नहीं बोलते? पुष्पेंद्र जी बैठकर गलत बोल पा रहे हैं, आप क्यों, आप क्यों नहीं बोल पाते? जो खट्टर साहब ने कहा था कि उस गाड़ी से क्या हुआ इसको लेकर किसी ने डिफेंड तो नहीं किया, जांच चल रही है, इंतजार की बात हो रही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि यहाँ कुछ भी हो जाएगा। ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं, खट्टर साहब ने जब कहा था अपने वर्कर्स को किसानों का रूप धारो। अरे भाई मैं मोरालिटी की बात आपसे किसान आंदोलन पे कर रहा हूँ, आप उसको बीजेपी पर लाते हैं, आप उसको पॉलिटिकल बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ जो गलत है उस पर तो बात किसानों के साथ रिलेटेड है, ये किसानों के साथ रिलेटेड है या नहीं बताइए आप इस चीज के बारे में। किसानों के साथ तो ये भी रिलेटेड है कि प्रियंका वाड्रा की गाड़ी में पीछे बैठकर भीड़ को देखकर कोई ये बोले कि अरे ये तो जबरदस्त हो गया, कोई जो है सिद्धू है वहां बैठकर ये बोले कि आज तो बल्ले बल्ले हो गई, ये तो गजब की भीड़ आ गई, और वहां आप जाकर ये दिखाएं कि हमने जो है वहां पर लोगों के लिए दुख जताया। 700 किसान, आप किसानों की मौत पर जमा होने वाली भीड़ में अपना पॉलिटिक्स ढूंढे और कहें कि मोरालिटी की बात करेंगे आप? बल्ले बल्ले बता रहे हैं साहब, आप क्या बातें करें, इसको मजाक बता रहे हैं। 700 किसान शहीद हो चला है, 5 वहां पे शहीद हो गए माटी। मैं जिन इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ उस पर बात कीजिए ना, सिद्धू क्या बोल रहे थे, सिद्धू क्या बोल रहे थे, एक दलित मुख्यमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। एक मिनट, अगर आपने गलत को गलत कहना है आई एग्री विद यू, लेकिन खट्टर साहब को गलत कहना पड़ेगा। अरे भाई खट्टर साहब को तो सबने गलत कह दिया, किसने सही कहा मुझे बताइए, किसने सही कहा खट्टर साहब को कि वो ठीक कह रहे थे? क्यों है वो नहीं, खट्टर साहब को किसने सही कहा? आज भी सीएम क्यों है वो? अरे ओ तो अब मुझे बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में क्यों है, प्रियंका वाड्रा के पीछे जो जो बैठकर चन्नी साहब कह रहे थे वो मुख्यमंत्री क्यों है? वहां पे लखीमपुर गए और इंसाफ दिलाया, 50 लाख रुपए पंजाब सरकार ने दिए। पंजाब सरकार अपने यहाँ खुद कर्ज में डूबी है और यूपी में जाके 50 लाख रुपए दे रही है, यूपी में जाके 50 लाख रुपए दे रही है, ये आपका न्याय है? पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे, आप जाके यूपी में दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ड्यूटी, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने किसानों के अन्नदाताओं की तरफ। उनको करना चाहिए था जो प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी जो 50 लाख का मुआवजा दिया, जो सरकार हर्षप्रीत जी का कहना है शर्म आपको आनी चाहिए, किसानों को दोहन आप कर रहे हैं और इस आंदोलन में जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है।
अब ये शांति से सुनेंगे, मैंने इनको बीच में बिल्कुल टोका टोकी नहीं की, इनकी बहुत सारी अभद्र भाषा को भी मैंने सहजता से लिया। कृपा करके मुझे बताइए अभद्र भाषा का आपने प्रयोग किया, बारंबार किया, अगर मैं उस तरह की अभद्रता पर आ जाऊंगा तो आप अभी उठकर बाहर खड़े होंगे। अभी सुन लीजिए, आराम से नहीं शब्द बताइए, आराम से सुन लीजिए, टोका टोकी मत कीजिए, आराम से शांति से बैठिए साहब, क्यों सारे तो बता तो दीजिए क्या, शांति से बैठ तो जाइए, शांति से आज इतना इतना टोका टोकी क्या, आप बताइए अभद्र भाषा कौन सी उसकी, आराम से शब्द बताइए, आपकी आपकी सारी भाषा अभद्र ही है, अभद्रता के अतिरिक्त आपने कुछ किया ही नहीं, शब्द बताइए, आपने आपने तो बता दिया कि हत्यारे हो गए अजय मिश्रा को, आपने जो है जय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर जो है कन्विक्ट भी कर दिया आपने, आपकी तो भाषा का स्तर यहाँ इस लेवल तक है।